प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में औचित्य पूर्णता अथवा वैधता को ले रहे हैं। लेजिस्मेसी, जैसा कि पूर्व के कालांशों में मैं आपको शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की और मैंने आपको बताया कि शक्ति, सत्ता, वैधता ये आधुनिक जो राजनीतिक अध्ययन है उसके महत्वपूर्ण आयाम है और आधुनिक राजनीति को पढ़ा जाता है। मैं सरल शब्दों में राजनीतिक विकास को अगर कहूँ कि राजनीति शक्ति का विकास और निरंकुशता और अत्याचार की दिशा में शक्ति को रोकने का प्रयास है, यानी शक्ति का विकास करेंगे लेकिन हम उसको निरंकुशता और अत्याचार की दिशा में बढ़ने से रोकेंगे। तो इस क्रम में हम जो आधुनिक राजनीतिक अध्ययन है वो शक्ति और सत्ता शब्द प्रयोग करता है। शक्ति राजनीतिक शक्ति है लेकिन राजनीतिक शक्ति है स्पष्ट होती है और सत्ता सुव्यवस्थित होती है। तो शक्ति और सत्ता में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे मैं सरल शब्दों में परिभाषित करूं कि मैं आपके थप्पड़ मार दूं, ये एक शक्ति है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया शक्ति क्या होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरा अपमान हुआ है तो आप भी प्रत्युत्तर में शारीरिक क्रिया कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका मूड कैसा हो। आप ये भी कह सकते हैं कि एक थप्पड़ मारा, आनंद आ गया, वंस मोर, एक बार हो। तो आपका मूड क्या है, अर्थात किस समय किसी व्यक्ति की मनोभावना क्या है, उस पर शक्ति निर्भर करती है। अगर वो जोश में है तो बहुत अच्छा शक्ति प्रदर्शन करेगा, अगर आलस्य में होगा तो वो निराशात्मक या कमजोर सा शक्ति प्रदर्शन करेगा। यानी मैंने थप्पड़ की प्रतिक्रिया पर दो प्रस्तुत किए, हो सकता है कि आलस्य में आप कहें कि ये बात ठीक नहीं है, आप प्रतिक्रिया भी न व्यक्त करें, अच्छा नहीं माने। तो अलग अलग मूड की अलग अलग स्थितियां होती है। ये आपके प्रतिष्ठाजनक बात मैंने नहीं कही, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको शक्ति को समझाना था। मानवीय संबंधों में शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग होता है, लेकिन अब हम सत्ता पर आए तो सत्ता बहुत ही स्पष्ट होती है। आज की शिक्षण व्यवस्था कहती है कि आप बच्चे को थप्पड़ नहीं मारें, आप बच्चे को अच्छी तरह से समझाएं। जो शिक्षा का विकास है वो इस प्रकार का है, यह आधुनिक शिक्षा है। और कॉलेज शिक्षा भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहती है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो बाध्यता का हो, हम मनुष्य को डंडे के बल पर नहीं आंकें। राजनीति तो आधुनिक लोकतंत्र तो यह है कि हम वैचारिक आदान प्रदान करें। तो ये जो सत्ता को मैं समझाना चाहता हूँ, सत्ता का तात्पर्य है जो एक सभ्य समाज में सभ्य आचरण के माध्यम से जिसमें हिंसा नहीं हो, उसमें प्रत्येक पद, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो कॉलेज का शिक्षक हो, हरेक का आचरण कैसा हो, शिक्षक और छात्र के मध्य आचरण कैसा हो, नियम उसको बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। तो सत्ता
बहुत ही सुव्यवस्थित है। जबकि शक्ति स्पष्ट और अनिश्चित है, व्यक्ति के मनोभावों और मूड पर निर्भर करती है। तो इस तरह से शक्ति और सत्ता संचालित होते हैं। लेकिन केवल शक्ति और सत्ता दो ही नहीं है, तीसरा भी औचित्य पूर्णता अर्थात शक्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए औचित्य पूर्णता जरूरी है। हो सकता है आपको थप्पड़ की बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन मेरे बहुत से सहपाठी कहते हैं कि स्कूल में हमारे अध्यापकों ने हमें पीटा, इतना पीटा, और उन्होंने हमें दिशा दी, उन्होंने हमें गलत दिशा में जाने से रोका। उनकी द्वारा की गई पिटाई हमारा सौभाग्य है, जिसने हमारे जीवन को सद्मार्ग पर चलाया। तो ये औचित्य पूर्णता है अर्थात शिक्षक के द्वारा की गई हिंसा, की गई मार कुटाई छात्रों के भविष्य के लिए थी। तो ये जिसका छात्र आज भी चर्चा करते हैं, महत्व करते हैं। तो औचित्य पूर्णता सत्ता के की निरंतरता के लिए एक आवश्यकता है, और वो सिद्ध करती है सत्ता के कार्य समाज के हित में है, सत्ता के कार्य उनकी भलाई में है। तो एक बार पुनः मैं सरल शब्दों में औचित्य पूर्णता को स्पष्ट करूं कि सत्ता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सत्ता को सिद्ध करना पड़ता है कि उसके कार्य समाज की भलाई और हित में है। एक बार पुनः सत्ता समाज के द्वारा दिए गए पैसे से, सत्ता समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से चलती है। जैसे आप कॉलेज को फीस देते हैं, केवल फीस ही नहीं देते बल्कि आप अपना समय भी देते हैं। आपके अभिभावकों ने बहुत सोच विचार कर आपको कॉलेज के लिए भेजा है। तो ये सब सत्ता, एक सत्ता का व्यवस्थित संचालन है। इसके प्रत्युत्तर में कॉलेज क्या देता है आपके परिवार को, आपको क्या दिशा देता है। कॉलेज के संचालन के लिए ये आवश्यक है कि हमें सिद्ध करना होगा कि हमारे कार्य आपकी प्रगति में सहायक है, हमारे कार्य आपकी परिवार की प्रगति में सहायक है। तो इस प्रकार सत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए समाज की उचित दिशा में कार्य करना पड़ता है, यही औचित्य पूर्णता है। तो इसे पश्चिमी विद्वानों ने जो परिभाषित किया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली परिभाषा लिपसेट की है, वो लिखते हैं कि औचित्य पूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन्न किया जाता है और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। औचित्य पूर्णता की जो दूसरी परिभाषा है वो जीन ब्लोडेल की है। ये कहते हैं कि औचित्य पूर्णता से अभिप्राय जिस सीमा तक लोग उससे संबंधित हैं बिना पूछताछ के स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। तो सत्ता को जो समाज की स्वीकृति होती है, समाज का जो समर्थन होता है, वही औचित्य पूर्णता कहलाती है और सत्ता की दीर्घगामी संचालन में सहायक होती है। इसके आगामी पक्षों को हम आगामी कालांश में लेंगे।